गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता चैप्टर फोर चले आपको एक मिनट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, यानी कि डिफरेंस के अंदर अगर आप आपकी वैल्यू में रखेंगे आप किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन आपका सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट क्या है, डिफरेंस का निकाल रहे क्या आपका एक्स माइनस टू माइनस थ्री 3x और 2x इक्वल का एग्जाम मिला और 3। अब आप देखेंगे इसको क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको जिस प्रकार से हमने एक्सपेंड कर दिया उसी प्रकार से एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग। अब जब आप एक्सपेंड करेंगे इसको देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे x माइनस टू और 2x नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस और माइनस के 3 और इनटू में 3x आगे निशान इक्वल इस इंटर है आपका 3। अब इसको सोल्व करना है 2x की x की मल्टीप्लिकेशन करोगे 2x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 3 3 9x इज इक्वल टू 3। दोबारा देखिए 2x की और x की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 3 3 9x इज इक्वल टू 3। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 को इस साइड ले आएंगे 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 9x प्लस के 5x इसको इस साइड में लिखा है माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है आपने, जब आप इसको सोल्व करेंगे यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस के 6x स्क्वायर होने से और ऐड और सबट्रैक्ट कितना आना चाहिए अभी आपके पास 5x। देखिए अगर आप 6x 6 की मल्टीप्लिकेशन यानी 6 के वेक्टर का 6 के और 1 का 6 को 1 से जब आप देते हो तो 6 यानी 6 माइनस 1 किसी का जाता है 5x 5x बचना चाहिए आपके पास माइनस के 6x है और प्लस का x तो माइनस के 6x के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस के 6x प्लस के x तो माइनस के 6x स्क्वायर हो गया मल्टीप्लिकेशन प्लस के 6x माइनस का x प्लस के 6x माइनस का x मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया आपका माइनस के 6x स्क्वायर और प्लस का 5x बचेगा माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप एक पार्ट ये हो गया आपका एक पार्ट ये हो गया इसमें से 2x आपका कॉमन आ गया क्या बच गया यहाँ पर x यहाँ पर क्या बच गया आपके पास 3 माइनस 1 इसमें से कॉमन आ गया यहाँ क्या बच गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 x प्लस 3 पूरे में से कॉमन आ जाएगा क्या बच गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस के 3 और x इज इक्वल टू प्लस के 1 ये दो आंसर आ गए इसका। अब जैसे इसी का सेकंड पार्ट आपका फर्स्ट का ये दे रखा है आपका 2 4 5 1 और 2x 4 6 6 दोनों तरफ डिफरेंस का निशान है तो पहले तो डिफरेंस खोलेंगे एक्सपेंडिंग बोथ साइड जब एक्सपेंड करेंगे दोनों तरफ से 2 अंदर 2 5 4 माइनस के 20 5 फोर का 20 नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करिए तो गया आपके पास 2
अब इसी के हिसाब से इसका टू क्यू सिक्स करोगे तो 12x सिक्स टू द 12 नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में 24 नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस कर दिया 6 और 24 सच ओके 24 इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना गया माइनस के 20 प्लस के 2 तो माइनस के 18 12x माइनस के 24 इसको इस चैनल ले गया तो इसको इस चैनल है माइनस के 18 प्लस के 24 12x 24 में से 18 गए 6 12x x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 6 बटे 12 की मल्टीप्लिकेशन में 48 आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 6 में से 6 गुणे 12 तो x इज इक्वल टू 1/2 क्लियर। अब ये तो सेकंड जो क्वेश्चन था उसके दो बार मैंने आपको बता दिए। अब दोबारा फिर एक बार देखिए 2 × 2 2 क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको पता है दो क्वेश्चन है दोनों तीन बार कैसे देखिए यह आपका सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है आपने इवैल्यूएट करना है वही चीज है इस प्रकार से पहले इवैल्यूएट करते हैं फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 3 5 2 6 10 31 11 38 ठीक है इवैल्यूएट हम लोग यानी एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंड कर दिया तो एक्सपेंड करने के बाद देखिए बाय फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया देखिए 1 आपको पहले दो फैक्टर निकालने चाहिए इसके नीचे तो हम चले जाएंगे इसके आमने सामने भी चले जाएंगे क्या बच गया ये चीज चली गई आपकी और ये चीज चली गई क्या बच गया 6, 10, 11, 38 सेकंड में माइनस का निशान आएगा 3 कैसे क्योंकि आपने नहीं पढ़ा था माइनस 1 की पावर आई प्लस जे के अनुसार क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो होगी माइनस 1 की पावर 1, 2, 1, 2 तो माइनस 1 की पावर 3 तो माइनस आ जाएगा आपके पास अब ये चीज चली गई आपकी और ये चीज चली गई आपकी ऊपर वाली तो ये बच जाएगी 2, 10, 31, 2, 10, 31, 38 नेक्स्ट आएगा जी प्लस 5 क्यों क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है माइनस 1 की पावर 1 + 3 1 + 3 का मतलब 4 हो जाएगा क्योंकि a1 1 a1 2 a1 3 होता है तो अब ये चीज है ये चीज चली गई आपकी और ये चीज चली गई आपकी तो ये बच जाएगी 2, 6, 31 और 11 इसको सॉल्व करना है सर आपने देखिए वहां इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन ऊपर से नीचे जाएंगे 6 8 48 6 18 18 4 22 नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस 11 9 110 माइनस 3 इसके और इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 8 16 1 2 3 4 1 7 नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस 310 प्लस 5
इसके और इसकी मल्टीप्लीकेशन, इसके और इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे ये हो जाएगा जी आपके पास इसके और इसके। अब दोबारा जाते हैं फर्स्ट इसके और इसकी नीचे से ऊपर गए माइनस करीब इसकी और इसकी नीचे से ऊपर गए माइनस और इसकी और इसकी 11 मतलब 22 इसकी और इसकी माइनस सही फंक्शन है 18। सोल्व कर लो सब इसको 228 में से 110 गए क्योंकि एक के साथ मिल गया हमें एक देगा 8 दो में दे गया एक दो में से 8 दो में से एक गया एक दो में से गया एक माइनस 310 में से सेंटर गया आपका तो 10 में 6 गया 4 ये बच गया जी 0 10 10 में 7 गया 3 ये बच गया जी 2 234 किसी के माइनस क्योंकि माइनस के ज्यादा थे प्लस 5 186 और ये हो गया आपका 22। तो जब 100 में 6 में से 2 हो गया 4 8 में से 2 6 और 1 माइनस के 164 सोल्व करते हैं बस 118 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 312 1 339 अरे 10 1 3 6 7 ये माइनस का हो जाएगा 520 2 5 के 3 से 2 32 3 5 से 5 और 3 8 ये हो गया आपके पास 702 प्लस 118 702 प्लस 118 8 और 10 1 और 1 2 7 और 1 8 ये भी 820 हो गए 820 माइनस 820 ये कट जाएगा आपका क्या बचेगा 0। यह आ गया आपका फर्स्ट। अब करेंगे क्या सेकंड सेम इसी हिसाब से आपने क्या करना है इसको एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो आप रो से भी कर सकते हैं और कॉलम से भी कर सकते हैं एक्सपेंड कर दिया आपने ठीक है जी एक्सपेंड कर दिया तो ये है आपका सेकंड पार्ट। देखिए थ्री ये चीज चलेगी आपकी ये चीज चलेगी ये बचेगा जी 1 माइनस 2 थ्री 1 एक्स माइनस किसी भी माइनस के 4 माइनस माइनस किसी का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब आपको पता है ये चीज चली गई और ये चीज चली गई 1 माइनस 2 2 1 प्लस का 5 ये चला गया ये चला गया क्या बच गया अपने पास 1 1 2 3 सोल्व करते हैं बस इसको इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 नीचे से ऊपर जाएगा माइनस 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 किसी का हो जाएगा प्लस 3 6 प्लस 4 इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस 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 किसी का हो जाएगा प्लस 5 5 3 2 2 और इसको सॉल्व करना है 6 7 7 7 21 5 1 5 4 1 5 5 2 20 3 में से 2 लेस होंगे 1 1 3 और 5 की करोगे तो 5 ये हो जाएगा अपने पास 25 और 21 आप ऐड कर देंगे 5 1 6 2 2 4 46 इसका आंसर आ गया आपके पास। ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन लास्ट पार्ट है इसका इसी में तो थर्ड क्वेश्चन है आपका आप देखिए थर्ड पार्ट को भी आपने इवेल्युएट करना है
देखिए सॉल्यूशन लिख दिया एक्सपेंड करने का साफ एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे जीरो अब ये चीज चलेगी ये चीज चलेगी क्या रहेगा जो माइनस के सीमेंट थीटा टेंजेंट थीटा जीरो वन माइनस वन ये चीज चलेगी ये चीज चलेगी ये चला गया ये चला गया तो क्या बचेगा अब आप देखिए ये चला गया और ये चला गया टेंजेंट थीटा वन वन ठीक है जी प्लस सेकेंड थीटा ये चीज चली गई ये चीज चली गई टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा वन जीरो सॉल्व करना बस क्योंकि बात ये बात हुई तो पूरा क्या जाएगा जी जीरो जाएगा माइनस वन टेंजेंट थीटा नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस के टेंजेंट थीटा ये आ गया जी प्लस के सेकेंड थीटा इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या जाएगा जी आपका जीरो नीचे से ऊपर जाओगे माइनस माइनस यानी ये था ऊपर जाएंगे आप माइनस माइनस किसी भी लेंगे प्लस के सेकेंड थीटा और सॉल्व करना है ये जीरो गया ये कट जाएगा जी आपका ये भी क्या हो गया जी आपका जीरो के साथ करोगे जीरो हो गया ये हो गया जी आपका प्लस अब जीरो के साथ करोगे जीरो हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा जी आपका सीकेंट स्क्वेयर थीटा सीकेंट स्क्वेयर थीटा ये आ गया जी आपके पास ठीक है जी इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं आपके पास आंसर आएगा धन्यवाद।